जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी लोगों का जो भी बच्चे स्कूटनी के लिए अप्लाई किए थे लगभग सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग जाकर रिजल्ट चेक कर ले। और बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट को चेक भी कर लिया है और रिजल्ट को चेक करने के बाद कुछ बच्चों ने हमें अपना मार्कशीट भी भेजा है। अब मार्कशीट में गड़बड़ियाँ क्या हो रही है, बहुत सारे बच्चे का तो ये है कि सर मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरा 2 अंक बढ़ा है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि 30 अंक, किसी किसी बच्चों का 30-30 अंक तक भी बढ़ा है, किसी का 40 अंक भी बढ़ा है, एक एक सब्जेक्ट में 30 अंक तक बढ़े हैं बच्चों को। जो जिस तरीके से जिनकी कॉपी में जो बढ़ना चाहिए था, हमें नहीं लगता कि बिल्कुल अच्छे ढंग से जो है उसको उठने की गई है कॉपी की। इसका एक उदाहरण हम आपको देना चाह रहे हैं, बिहार बोर्ड हर समय जो गलतियां कर रही है उस गलतियों को हम आपको सिर्फ दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों ने खुद हमें भेजा है, हमें कोई शौक नहीं है उसके खिलाफ बोलने का या किसी भी सिस्टम के खिलाफ कहने का, कुछ ये कोई शौक नहीं है और बनता है। जब कहीं कुछ गलतियां होती है तो बनता है कि टोके, जब तक आप टोकेंगे नहीं तब तक उस गलतियों से पर्दा उठेगा नहीं। सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कामों पर है कि हमारा कहां से कुछ आ जाए। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है इससे कुछ नहीं चलता। क्या बर्बाद हो रहा है देश में, क्या चल रहा है, क्यों ये कंडीशन आया, आज जो ये कंडीशन है कोरोना का ये क्यों आया, इस पर कोई ध्यान नहीं है। इससे पहले भी महामारी आई थी लेकिन उस समय बीच में कुछ समय भी दिया गया इसके द्वारा, लगभग 5 से 6 महीने का वक्त दिया गया और इस 5 से 6 महीने में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारी किया कि हमें बंगाल में चुनाव कैसे जीतना है, असम में चुनाव कैसे जीतना है या 4-5 स्टेट में जहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर कैसे जीतना है, इस पर पूरा का पूरा मंथन किया। लेकिन ये नहीं देखा कि इस कोरोना महामारी से हमें बचना कैसे है, हमें हॉस्पिटल बनानी चाहिए, हमें ऑक्सीजन प्लांट लगवाना चाहिए, हमें बेड की व्यवस्था करनी चाहिए, हमें वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साढ़े के साढ़े लोग जो है ना, मतलब क्या कहे, उस स्तर तक गिर चुके हैं। खैर अब वो दोष देने का वक्त नहीं रहा है, वक्त है अपने से संभलने का, अपने आप से दुरुस्त रहने का, एकदम दृढ़ संकल्पित रहने का और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करने का। आइए अब हम दिखाते हैं बिहार बोर्ड का कारनामा कि बिहार बोर्ड ने क्या कारनामा किया है बच्चों के साथ स्कूटनी रिजल्ट में। एक बार इस पर नज़र डालते हैं और नज़र डालिए पहले आप लोग। हमने 2-3 बच्चे का जो मार्कशीट मेरे पास है वो आपको अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। पहले आप एक बार खुद देखिए क्या कारनामा किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। और 1-2 बच्चे ही का अभी स्क्रीनशॉट मेरे पास है, लेकिन जो बच्चे का फ़ोन आया है, ऐसे और भी कितने स्टूडेंट हो सकते हैं या कितने स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ होगा शायद हमें भी नहीं पता है। खैर जो है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक बच्चे की कॉपी का मार्कशीट है मेरे पास और वो मार्कशीट क्या है हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए ये जो है इसका नाम ऋषभ कुमार है, अरुण चौधरी RN इंटर कॉलेज लखनपुर खोखसा वैशाली, ये हमारे वैशाली का ही है। चलिए अब पहले इनके मार्कशीट पर एक बार ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मार्कशीट आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, खासकर वहाँ पर आपको ध्यान देना है जहाँ पर ये जो केमिस्ट्री का मार्कशीट है, केमिस्ट्री वाले में आप देखिए ठीक से। केमिस्ट्री में क्या है कि यहाँ पर दिख रहा आपको कि थ्योरी में इसको 22 अंक दिया गया है, बच्चे को थ्योरी में 22 अंक दिया गया है, फिर भी इसने स्कूटनी के लिए अप्लाई किया और प्रैक्टिकल में 27 अंक दिया गया है और टोटल इसका जो मार्क्स है वो 298 है, यानी 298। ठीक है चलिए, हाँ ये 298 है। अब तो ये मार्क्स हो गया इसका जो बोर्ड में इसे मिला है। जब इसने स्कूटनी के लिए अप्लाई किया अपनी कॉपी को, ये नंबर से असंतुष्ट हुए और असंतुष्ट होने के बाद इन्होंने अपनी कॉपी को स्कूटनी में भेजा
स्कूटनी में अप्लाई किया कि हमारी कॉपी की स्कूटनी की जाए। देखिए अब स्कूटनी के बाद क्या आता है वो आपको दिखाते हैं। अब स्कूटनी के बाद का जो रिजल्ट है वो आपको ऊपर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। इसमें क्या है, देखिए ऊपर में आपको कुछ दिख रहा होगा, दो चीज़ में दिखा रहा है कि बिफोर स्कूटनी मार्क्स, यानी स्कूटनी से पहले कितना मार्क्स था और स्कूटनी के बाद कितना मार्क्स है। तो यहाँ पर शायद ये तीन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए थे, एक हिंदी, एक मैथमेटिक्स और एक केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ हिंदी और मैथमेटिक्स में तो इनका कोई भी मार्क्स चेंज नहीं हुआ है, तो इसके लिए इन्हें आपत्ति भी नहीं है, इन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताया। जैसा हमें फ़ोन करके बताया कि सर इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं कि नहीं बढ़ा या बढ़ा, लेकिन जो केमिस्ट्री का मार्क्स है उस पर एक बार गौर करेंगे आप लोग तो ये पता चलेगा कि स्कूटनी से पहले जो मार्क्स है वो 18 है, जबकि इनका मार्क्स मार्कशीट में 22 अंक दिखाया जा रहा है। मार्कशीट में इनका मार्क्स जो है 22 अंक है, जो रिजल्ट आया था उसमें 22 अंक है, और यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि स्कूटनी होने से पहले जो आपका मार्क्स था केमिस्ट्री में वो 18 मार्क्स था। और क्या हुआ कि स्कूटनी के बाद आफ्टर स्कूटनी मार्क्स कितना 19, आफ्टर स्कूटनी मार्क्स जो इनको दिया गया है कितना दिया गया है 19, यानी 18 नंबर आपका पहले था और 19 नंबर हमने आपको दिया, यानी एक नंबर बढ़ा दिया। अब आप एक चीज़ सोचिए कि सबसे पहले तो इनकी जो मार्कशीट है, जो रिजल्ट आया था उस समय इनको थ्योरी में 22 अंक दिया गया था, और यहाँ पर बिहार बोर्ड कह रहा है कि नहीं आपको 22 अंक नहीं 18 अंक दिया गया था। इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है बताइए, इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या बच्चों की जो कॉपी हुई है, बच्चों की जो कॉपी को चेक किया गया है, क्या स्क्रूटनी की गई है कॉपी की? ये कहा जाए तो ये जो मार्कशीट है ना बिहार बोर्ड का पोल खोल कर रख देगी कि एक तो सबसे पहले पीछे बच्चा का 22 मार्क्स था, ठीक है, और जब आपने स्कूटनी की तो आपको पता चला कि इसका 18 मार्क्स है और आपने इसको 19 मार्क्स दिया, तो इससे पहले कितना मार्क्स दिए थे आपने, 22 मार्क्स क्यों आया था इसको? स्कूटनी से पहले 22 मार्क्स है और आपको लगता है कि इसको 18 मार्क्स है और आपने एक अंक बढ़ा के इसको दे दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक ना। इसे समझने की ज़रूरत है और आप लोग इसको देखिए, और यदि आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या किन्हीं बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपना मार्कशीट हमें भेजें या कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके कि आप फिजूल में पैसा ले रहे हैं बच्चों का, बच्चों को काम करके नहीं दे रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं आप, और बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना बंद कर दीजिए नहीं तो आपको श्राप लगेगा, ठीक ना। ये बच्चा जो डेली मतलब अपने क्या कहा जाए कि मेहनत के बाद भी ये किस कंडीशन पर खड़ा है इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं, और बच्चों के साथ ऐसे ही मजाक कर रहे हैं आप, मजाक लग रहा है ये पढ़ाई, ये मेहनत मजाक लग रहा है आपको, है? एक तो लॉकडाउन का कंडीशन है, इससे बच्चे परेशान है, इससे उनका पढ़ाई लिखाई चौपट हो रहा है, और ऊपर से आप लोग मजाक बना के रखे हैं, ऊपर से पैसा भी लेते हैं, एक बार फेल करते हैं आप अपनी कॉपी को ठीक से चेक नहीं करवाते हैं, पैसा लेके कॉपी चेक नहीं करवाते हैं, और जब दोबारा बच्चा कहता है कि हमारा मार्क्स गड़बड़ हो गया है, हमें इतना मार्क्स होना चाहिए, तो आप कहते हैं कि फिर पैसा दो, फिर कॉपी चेक करेंगे, फिर भी कॉपी चेक नहीं करते, क्यों ऐसा करते हैं? सवाल बनता है और सवाल पूछना बनता है, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। ये जो निकम्मी सरकार है इससे सवाल पूछने की ज़रूरत है, और जब तक सवाल हम पूछेंगे नहीं तब तक इसके दिमाग और कानों तक ये चीज़ नहीं पहुंचने वाला है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला वीडियो हम उन सभी बच्चों के लिए लेकर आएंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है, और भी दो तीन कॉपी मेरे पास था लेकिन हम सबकी कॉपी अभी नहीं यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, हम एक बार चाहेंगे कि सभी बच्चों का हम लेकर आ जाए आपके लिए ताकि सभी बच्चों को दिख जाए और सभी बच्चों की कॉपी दिख जाए बिहार सरकार को, बिहार बोर्ड को सभी बच्चों की कॉपी दिख जाए कि ये क्या मजाक चल रहा है, ये कैसा मजाक है, आप ही ने 22 मार्क्स दिया और आप ही को 18 मार्क्स दिख रहा है और आपने एक अंक बढ़ा भी दिया उसका, ये कौन सा मजाक है? इसलिए आप सबों से कहना है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यदि आप लोग साथ नहीं होंगे ना तो फिर हम बकते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है,
ठीक ना, हम बकते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, और आप लोग के साथ इसी तरह खिलवाड़ होते रहेगा और आप लोग सहते रहेंगे, ठीक ना। इसलिए सहने की आदत नहीं डालिए, सहना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, गलत सहना भी बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए गलत को सहने की जरूरत नहीं है, गलत के सामने डटकर आवाज़ उठाने की जरूरत है। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।